स्क्रीन पर जो बच्ची आप देख रहे हैं ये हम सब की राखी है, जिसकी उम्र 10 साल है। बच्ची ब्रेन ट्यूमर से ग्रस्त है। पिता मजदूरी करके घर चलाते हैं, माँ गृहिणी है। 4 महीने पहले परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया जब पता लगा कि उनकी बच्ची के दिमाग में रसोली है, यानी राखी को ब्रेन ट्यूमर है। इत्तेफाक है कि राखी का जन्म आज से 10 साल पहले रक्षाबंधन के दिन 2 अगस्त को हुआ था। परिवार में सबसे छोटी राखी सबसे हंस खेलकर सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर अपलोड कर सबका मन मोहने वाली लड़की है। बेटी को ट्यूमर है इसका पता इन्हें 4 महीने पहले चला। अगर अब तक इलाज हो गया होता तो ट्यूमर शरीर में नहीं फैलता। अब राखी ना तो देख सकती है और ना ही एक कान से सुन सकती है। राखी का इलाज करा सके इतने पैसे परिवार के पास नहीं है। सुनिए राखी के पिता और माँ ने क्या कहा। जी राखी जी, ब्रेन ट्यूमर है। 4 महीने पहले पता चला था जी। आप क्या काम करते हैं? झाड़ी मजदूरी करा जी। जब पता लगा तो क्या प्रयास किए गए इलाज? प्रयास जी पहले तो टेंशन ही होगी जी दिमाग में, अभी वो एकदम क्या हो गया। फिर जी किसी ने बताया कि रोड लेके जी देसी इलाज के लिए, अब देसी इलाज करवा लिया पर उड़े भी कोई आराम नहीं लग गया जी। पर जी इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में ले गया जी, उड़ा सीटी स्कैन करवाया जी, उड़ा पता लग गया किसका ट्यूमर से। उन्हें पर्चा बना दिया जी, उड़ा तक पी जी आई का। पी जी आई में जी हम सुबह ले आए थे 8 बजे, रात में 12 बजे फिर छुट्टी दे दी। बोला इसका कोई इलाज नहीं, घर ले जाओ। MRI भी करवाई, एक्सरे भी हुए थे जी सारे। फिर MX है जी रुतिके में, उनके पास कागज दिखाए थे, उन्हें 12-13 लाख रुपये मांगे। बोला फिर इतना हमारा जुगाड़ नहीं था जी, क्यों दिहाड़ी मजदूरी करा जी। ये मेरा खाता नंबर है, इसमें आप पैसे डाल सको हो। 90-53-45-20-16 ये मेरा फ़ोन नंबर है। 4 महीने पहले राखी के बारे में जब आपको पता चला कि ऐसे ऐसे बच्चे को हुआ है, हाँ जी, तो सबसे पहले तो क्या हुआ? सबसे पहले तो जी नू देखे एक चक्रम पड़ी है, यू क्या होया को दे बुखार लगनी चढ़िया जी, इसका जमा सही रहा कर दी। फिर नू बोले अड़ोस पड़ोस में भी पूछी, मुखार देखो यो क्या हो गया। बोले ये तो लकुआ है इसका, बोले हमने कभी देखा था नहीं, ये नू पहली बार होया था। फिर बोले इसको गरोड़ ले जाओ, गरोड़ तो दवाई दवाओ। फिर इसको गरोड़ ले गए जी, गरोड़ तो दवाई दवाई, गरोड़ तो दवाई दवाते दवाते जी हमने जिंद इसका सिटी स्कैन करवा जी। सिटी स्कैन में जिंदा ने जी रोहतक का पर्चा बना दिया, इसका बोल कि न इसका दिमाग में इसमें सिर में को रसोली है, ये बोली कि न रोहतक वाले ने भी ये बोल दिया कि इसका कोई फर्क नहीं, इलाज में इसका फर्क नहीं होगा, इसकी घर आई ले जाओ, घर आई सेवा कर लियो, कोई फर्क नहीं लग गया। उसकी दवाई देंदे देंदे देश उल्टी पड़ दी, एक मिनट भी फर्क नहीं लगता जी, जितनी दवाई देंदे उतनी ये दोनों उल्टी पड़ दी। अब खाने पीने का क्या, बच्ची खा पा रही है कुछ या नहीं? ईब तो जी कुछ नहीं, बस चाय और ब्रेड, डेड भी ना होगा जी रोटी खाएं। हाँ जी हाँ जी, पहले एक आँख की गई थी जी, अरे एक कान तो सुनना बंद होया था जी 3 महीने पहले। ईब जी दोनों आँख 10 दिन हो गए जी, दोनों आँख है तो कुछ नहीं दिखता। रोहतक PGI में जब इलाज कराने के लिए ये गए तो कुछ डॉक्टर्स ने ये तक जवाब दे दिया कि राखी अब नहीं बच सकती, लेकिन डॉक्टर ने ये बताया कि बड़े अस्पतालों में इस तरीके की सुविधाएं हैं जहां इलाज हो सकता है, लेकिन खर्चा तकरीबन 15 से 20 लाख तक आ सकता है। जहां पे हमारे पास ये राखी नाम की जो बिटिया आई है, इसके बारे में ये है कि जिसको एक ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, और ट्यूमर का मतलब ये नहीं है कि कैंसर होता है, ट्यूमर का मतलब यह है कि हो सकता है कि पानी की रसोली हो सकता है वो बेनाइन, मतलब कि ना फैलने वाला कैंसर हो जिसका कि उपचार हो सकता है। अब इस केस के अंदर ये हुआ कि इसके ब्रेन के अंदर एक छोटी सी रसोली है, ट्यूमर जिसको बोलते हैं, लेकिन 4 महीने पहले इसके लक्षण आ चुके थे और ये बच्चा अपने रोहतक मेडिकल में गया है, और वहाँ पर ये हुआ कि कोई जैसे ट्रेनिंग वाले डॉक्टर होते हैं या कोई इस तरह का जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने इनको ये बोल दिया कि बच्ची बचेगी नहीं, और उस या तो कन्फ्यूज़न में बोला गया उनसे या इनको सुनने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसके माँ बाप को, तो ये 4 महीने पहले फिर अपने बच्चे को घर पे लेके चले गए।
अब धीरे धीरे ये हुआ कि पहले तो सिर्फ उसके बाएं जो हिस्सा है शरीर का, हाथ और पैर, उसमें वीकनेस थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि धीरे धीरे इसकी जो नेत्र ज्योति है, आँखें हैं, वे भी काम करना बंद कर गई। अब सुनना भी उसको एक ही कान से अब सुनाई देता है, एक कान से उसको सुनाई नहीं देता, हाथ पैर भी अब उसके नहीं चल रहे हैं। अभी राखी के जो ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर है, उसके लिए जो उपचार के लिए एक बड़े न्यूरोसर्जिकल सेंटर में इसका उपचार होना बेहद ज़रूरी है, जहाँ पर कि आईसीयू और वेंटिलेटर की फैसिलिटी हो, ताकि जो इसके जो ब्रेन का है ऑपरेशन हो जाए जल्दी से जल्दी, इसका जो ट्यूमर है वो निकल जाए। और उसके अलावा एक वीपी संट होता है जो ब्रेन में डाल के ना उसका जो पानी का जो सीएसएफ होता है उसकी ड्रेनेज प्रॉपर हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, और करीबन जो कुछ हॉस्पिटल्स ने इसका जो खर्चा बताया है वो 12 से 15 लाख रुपये बताया, तो उसके अलावा वेंटिलेटर का या फिर आईसीयू का जो चार्जेज उनके एक्स्ट्रा होते हैं। तो मोटा मोटी ये मानिए कि ये कोई भी जो इस तरह का जो गंभीर बीमारी होती है ब्रेन की, तो उसमें 15 से 20 लाख का खर्चा आ सकता है। राखी का परिवार लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए, या किसी तरह सरकार से या कोई संस्थान आगे आकर मदद करे और इलाज संभव हो सके। परिवार जय जयवंती जुलाना जींद का रहने वाला है।